शुक्रवार से बैसाख का पवित्र महीना शुरू हो गया है। इस वीडियो में आप सभी को बैसाख महीने में पूरे माह में कभी भी किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ उपाय जानने समझने को मिलेंगे। कोई एक भी उपाय कर लेते हैं तो अति श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला उपाय, अगर आप सभी ने नहीं सुना है गुरु जी का यह सर्वश्रेष्ठ उपाय तो जरूर से सुनिए, नहीं तो अन्य उपाय भी हैं, वह आपके काम आएंगे। पहला उपाय है, गुरु जी कहते हैं घर पर आप सभी को एक सफ़ेद कपड़ा लेना है। खासतौर पर बैसाख महीने में ही यह उपाय किया जाता है बस, और अन्य दिनों नहीं किया जाता। तो पूरा महीना आपके पास है, आप कभी भी कर सकते हैं। आप सभी को पूरे बैसाख के महीने में किसी भी दिन सफ़ेद कपड़ा लेना है, साफ सुथरा कपड़ा लेना है, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा नाप लीजिए फीते से और उसे जो है ले लीजिए। अब आप सभी को अपने पानी के स्थान पर कम से कम 3 दिन इस चीज को रखना है, ठीक है। धन की कमी दूर करेगा, रोग इत्यादि में पैसा खर्च होता है, कोई अगर पैसा लेकर चला गया है तो भी सभी समस्याओं का अंत इस उपाय को करने से हो जाएगा। बहुत सरल उपाय है, कुछ भी इसमें लगना नहीं है। आप सभी को ले लेना है छोटा सा सफेद कपड़ा, ठीक है, ले लिए। 108 इसमें चावल के दाने रखने हैं सफ़ेद कपड़े के अंदर। एकमात्र सफ़ेद फूल लेना है, सफ़ेद फूल की पंखुड़ी मिल जाए। सफ़ेद फूल में अगर नहीं मिलते कोई दिक्कत नहीं है तो सफ़ेद फूल के स्थान में 108 जो चावल के दाने हैं उनके अलावा एक चावल का दाना और रख देना है सफ़ेद फूल का भाव करते हुए, ठीक है। सफ़ेद फूल मिल जाए तो अति श्रेष्ठ है। कपड़े में यह सारी चीज़ें रख ली। जहाँ पर भी रसोई में गुरुजी ने कहा है इस पवित्र बैसाख के महीने में सभी को घर पर मिट्टी का मटका रखना है। यह विशेष स्थान माना जाता है, पितरों के लिए भी गुरुजी कहते हैं, यह अपने आप में अद्भुत है। इससे ही आपको पानी लेकर महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाना है। अब जो आपने यह सामग्री तैयार कर ली किसी चीज़ से बांध लीजिए, चाहे तो मौली से बांध सकते हैं जो वस्त्र रूप में भगवान को समर्पित करते हैं। अब कम से कम आप सभी को 3 दिन तक जहाँ पर पानी का स्थान है ना, वहाँ पर किसी कटोरी में इस सफ़ेद कपड़े को रख कर छोड़ देना है। 3 दिन तक ऐसा करना है आप सभी को। साथ ही किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, जैसे कोई रोग मुक्ति कर रहे हैं उसके लिए बोलिएगा मन ही मन जब भी यह कार्य करें। कोई पैसा लेकर चला गया है तब भी, धन की कमी है, जो भी, आप बहुत सुख पाएंगे इस उपाय को करने से। इसके साथ ही 3 दिन हो गए, उसके बाद आप सभी को चले जाना है महादेव के मंदिर में। साथ में ले जाना है एक घी का दीपक और जो पोटली है ना, 3 दिन पूर्ण हो जाने के बाद 4थे दिन आप सभी को यह पोटली लेकर महादेव के मंदिर में चले जाना है। पहले महादेव के शिवलिंग के आसपास एक जो घी का दीपक कहा है वह लगा दीजिए। उसके बाद आप सभी जो पोटली लेकर गए हैं उसमें कुछ रुपए रख दीजिए, 11 रुपये, 21 रुपये, अपनी क्षमता अनुसार रख दीजिए। अब वहाँ कोई पंडित जन, पानी योग्य व्यक्ति अगर वह लेने के लिए मना करते हैं तो अपने घर की बहन, बेटी, सुहागिन, महिलाओं को यह पोटली आपको जो है दे देनी है। इससे क्या होगा, गुरु जी कहते हैं जो धन की कमी निरंतर चल रही है उन सभी का अंत होगा। बैसाख महीने में कभी भी इस उपाय को किया जा सकता है, सर्वश्रेष्ठ है, कुछ भी समझ में ना आए पूछिएगा। दूसरा उपाय पूरे बैसाख महीने में किया जाने वाला है, बेलपत्र में चंदन लगाकर। गुरुजी कहते हैं पूरे बेलपत्र में, आप सभी देखेंगे पूरे बैसाख महीने में मनौती लेते हुए आप सभी एक बेलपत्र लेकर, इससे अधिक भी ले सकते हैं, चंदन लगाकर उसके ऊपर अक्षत रखकर शिवालय जाकर शिवलिंग पर पूरे बैसाख महीने नियम ले लीजिए। अगर समर्पित करते हैं तो शिव मार्ग आपके लिए खुलते हैं, मोक्ष के द्वार खुलते हैं, परिवार में अशांति दूर होगी और सभी सुख प्राप्त आप कर लेंगे। तो यह दूसरा उपाय भी है जो पूरे बैसाख महीने में किया जा सकता है। साथ ही शुक्रवार है आज तो जरूर से माँ लक्ष्मी के कई उपाय, इससे पहले मैंने अगर लड्डू गोपाल घर पर विराजमान है तो उनको आप कैसे उस वह सर्वश्रेष्ठ उपाय करें घर पर किया जाने वाला वह वीडियो दिया है, आप कहेंगे तो मैं आपको वह दे दूंगी, तो जरूर से उसे देखिएगा। साथ ही आज शुक्रवार के दिन आप सभी को जरूर से बेलपत्री वृक्ष के नीचे माँ लक्ष्मी के नाम का दीपक लगाना है। गुरु जी कहते हैं जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन बेलपत्री वृक्ष के नीचे माँ लक्ष्मी का आवाहन करते हुए मात्र एक दीपक लगा देता है, महादेव ने माँ पार्वती को ऐसा आदेश दिया है कि तुम उसके घर उसके पीछे पीछे चल देना। अगर किसी कारण से सवाल आपके आते हैं बेलपत्री का वृक्ष नहीं है तो बेलपत्री वृक्ष ना हो तो उसका भाव करते हुए घर के मुख्य द्वार पर जरूर से शुक्रवार के दिन आज एक दीपक लगा दीजिएगा, काफ़ी श्रेष्ठ फलों की आपको इससे प्राप्ति होगी। तो इस तरह से शुक्रवार के दिन किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ उपाय हैं। कल मैंने वीडियो दिया है उसमें शुक्रवार के कई उपाय हैं, 5 या 6 उपाय हैं जो आसानी से घर पर किए जा सकते हैं, वह भी देखिए और अपनी सुविधा अनुसार अपनी पूजा कर्म संपन्न कीजिए। तो कैसी लगी जानकारी बताइएगा जरूर, उपयोगी रही हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। राधे राधे।